स्टूडेंट क्लास 10th का यू लाइक का सीबीएसई सैंपल पेपर सोशल साइंस के लिए सेशन है 2023। इसके अंदर देखिए सीबीएसई सैंपल पेपर सॉल्व होगा, 10 सैंपल पेपर सॉल्व होंगे एंड 5 सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने के लिए होंगे। तो ये आपको आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं एंड कुछ मॉडल टेस्ट पेपर को भी देख लेते हैं। ये आपका इसका मार्किंग स्कीम है, के अलावा चैप्टर वाइज आपको सिलेबस गिवन है। तो इसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इसके मैप से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। चलिए अब इसका हम सीबीएसई का सैम्पल पेपर 2023 जो है उसको देखते हैं एंड एक इसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी देखते हैं, बाकी इसके धीरे धीरे करके बाकी के भी देख लेंगे। बट अभी फ़िलहाल हम ये शुरू के दो देखते हैं। तो देखिए सी बी एस ई सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 2023 सॉल्व है। तो ये आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। तो इनके आंसर्स भी आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं। तो स्टार्टिंग का सेक्शन ये तो ऑप्शन वाला होता है ना। तो पॉइंट्स वाइज अच्छा तरीके से समझाया गया है हर एक क्वेश्चन के आंसर को, तो यहाँ से आप इन्हें याद कर सकते हैं, इजीली लर्न भी हो जाएगा। एंड कम से कम ये यू लाइक का सैम्पल पेपर के हर एक क्वेश्चन पेपर को आपको कर लेना है अगर आप सोशल स्टडी में मार्क्स अच्छे चाहते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द एग्जामिन द रीज़न फॉर द लोकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स इन वेस्ट बंगाल। क्यों वेस्ट बंगाल में जूट मिल्स लगाई गई। इसके अलावा द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
इन द रूरल सोसाइटी। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सिग्निफिकेंस, क्या काम करता है आरबीआई। सेक्शन ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, केस बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ से क्वेश्चन भी और आंसर भी यहीं दिए हुए हैं, तो आप अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं इजीली। ये यहाँ पे मैप है सैंपल पेपर वन का, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है नेशनल कांग्रेस सेशन 1920 का एंड द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ। उसके अलावा ये आपको लोकेट करना है। तो ये इसका सोल्यूशन है कि कहाँ पे कांग्रेस सेशन हुआ था, कलकत्ता, और डांडी में गांधी का सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ था। उसके अलावा हीराकुड डैम कहाँ है, ओडिशा में, तारापुर महाराष्ट्र में, नोएडा उत्तर प्रदेश में, कोची केरला में। तो ये आपको ऐसे करके यहाँ पे लोकेट कर देना है। पहले तो ये ऐसे ए बी ऑप्शन दे देने, तो ए जो आंसर है उसे ऐसे करके ए पॉइंट डाल के बी, जहाँ पे आंसर है वहाँ पे बी का पॉइंट लगा के, या डायरेक्ट एरो डाल के नेम भी लिख सकते हो आप। तो ये इस मैप का सोल्यूशन है। इसका फर्स्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं यूलाइक का, और ये जो अभी प्रीवियस देखा था वो सीबीएसई का था एंड ये यूलाइक का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। तो अभी फिलहाल आप ये दो सैम्पल पेपर को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, उसके बाद इसकी नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे के दो सैम्पल पेपर भी मिलेंगे। पीडीएफ आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। रीजन्स फॉर मोर डिमांड ऑन ह्यूमन लेबर देन मशीन्स, मशीन से ज़्यादा ह्यूमन लेबर की डिमांड क्यों होनी चाहिए, इसके रीज़न। ठीक है, गांधी जी से अबाउट रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के बारे में गांधी जी ने क्या बताया था, स्टेट्स बताने, ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर इरीगेशन जो डिग्रेडेशन में रिस्पॉन्सिबल है, ओवर ग्रेजिंग यहाँ पे है एंड ओवर इरीगेशन यहाँ पे है। इसके अलावा नेक्स्ट है, व्हाट आर द टू इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बीइंग्स, मतलब रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है, यानी किसी को ज़्यादा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है ना। नेशनल इनकम क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, अगर हम कंट्रीज की नेशनल इनकम निकालें। What do you understand by liberalism? Describe their ideas in the political, social, economic spheres. इसके अलावा what are the advantage of pipeline transportation? Explain the precautions to be observed for the proper use of loan taken. Why India needs to follow the principle of decentralization to the lowest level? Suggest ways to create more employment avenues in urban areas. ये सेक्शन डी है इसका। यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट विद पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास पीपल इन द सिटीज, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट।
वाई वॉज द स्वराज पार्टी फॉर्म, वाई डिड इट नॉट सक्सीड. डिस्क्राइब द फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन यूजेस ऑफ माइका इन इंडिया. तो माइका एक नॉन मेटेलिक मिनरल होता है, उसके आपको यूजेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर्मेशन बताने हैं. नेक्स्ट है डिस्क्राइब द हजार्ड्स ऑफ माइनिंग. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोल माइंस इन इंडिया. वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज. डिस्क्राइब इन ब्रीफ द रिसेंट एफर्ट्स दैट हैव बीन मेड इन इंडिया टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर्स. को रिफॉर्म करने के लिए क्या एफर्ट किए गए हैं. वट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड. हाउ वुड फ्लेक्सीबिलिटी इन लेबर लॉ हेल्प कंपनी. एक सेक्शन ही सी केस बेस्ड क्वेश्चन है. थ्री केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके. बाकी सेक्शन एफ है जो मैप वाला है. यहाँ पे कांग्रेस सेशन 1927 के प्लेसेस बताने हैं और कॉटन मिल सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था. इसके अलावा ये आपको एक्स्ट्रा ज्योग्राफी का मैप है. तो देखो जो 27 का सेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था यानी कि चेन्नई में, और जो सत्याग्रह हुआ था कॉटन मिल वो अहमदाबाद में हुआ था गुजरात में. बाकी ये जगह टूटीकोरण सी पोर्ट कहाँ पे है, पुणे में, सॉरी तूतीकोरण में, पुणे. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी अगर पूछे तो पुणे में होती है, पुणे. उसके बाद भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट भिलाई में, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड रानीगंज कोल माइन. तो आपको ज़रूरी नहीं ये देंगे, ये दे सकते हैं ना, या फिर आपको दोनों ही दे सकते हैं. तो आपको ये जगह लोकेट करनी है मैप में. तो ये इसका सोल्यूशन है. तो इसके नेक्स्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर टू के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करना. उसमें आपको इसका सैम्पल पेपर टू थ्री और फोर तक डिस्कस करेंगे. तो ये अच्छी तरह से आपको कर लेने हैं ताकि आपका एसएसटी में मार्क्स थोड़े से अच्छे आए और आप ढंग से इसको जो पॉइंट्स है वो एक्सप्लेन कर सकें.